मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूँ। ये बता दें कि मेरे पास दो बड़े शख्सियत इस समय मौजूद हैं, डॉक्टर अरविंद आनंद जी और जितेंद्र सुमन जी, जो फिल्म के पटकथा, धारावाहिक आदि में ये काम करते हैं, लिखते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इनका क्या विचार है, किस हिसाब से नए फिल्म के बारे में ये स्क्रिप्ट लिखते हैं। हमारे दर्शकों के लिए बताएं सर, कैसे स्क्रिप्ट आप लिखते हैं सर? सबसे पहले तो जितेंद्र सुमन का आप दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार, और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहाँ दिल्ली में उपस्थित हूँ। थावे विद्यापीठ के द्वारा मानद उपाधियों के वितरण समारोह पर, जिसमें विद्यावाचस्पति, समकक्ष पीएचडी, साहित्य रत्न एवं अन्य उपाधियों से विभूषित कर रही है थावे विद्यापीठ समाज के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को, उनकी सेवाओं को देखते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूँ थावे विद्यापीठ के संस्थापक सचिव डॉक्टर पी एस दयाल यति जी का, प्रतिकुलपति डॉक्टर अरविंद कृष्ण जी का और कुलपति डॉक्टर शिव नारायण जी का, जिन्होंने यह साहसिक और प्रशंसनीय कदम उठाया है समाज के तमाम वर्गों से उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को चुनने का और उन्हें इस गरिमामय सम्मान से सम्मानित करने का। निश्चित रूप से थावे विद्यापीठ अपने शैशव काल में है अभी, लेकिन यही कुछ वर्षों बाद जब अपनी युवावस्था में आएगा तो इसकी महत्ता, जो समाज के उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को, समाज में जो गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जो सम्मान देकर उनके अच्छे कार्यों के प्रति लगे रहने की प्रेरणा दे रहा है, वो देश के सामने मुखर होकर आएगा। अभी हमारे सामने डॉक्टर अरविंद कृष्ण जी मेरे साथ, अभी मेरे साथ डॉक्टर अरविंद आनंद जी हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे भी इस उपाधि के लिए, मानद उपाधि के लिए चयनित किया, जबकि मैं फिल्मों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फिल्मों में पटकथा और संवाद लेखन का, ये बताएं कि अब तक कौन से फिल्म पे, पटकथा पे अब तक काम किया है, कौन कौन से, हमारे दर्शकों के लिए जरा बताएं सर। जी अवश्य, चूंकि मैं आरा का रहने वाला हूँ तो भोजपुरी फिल्मों से मेरा जुड़ाव ज़्यादा रहा है। मैंने भोजपुरी फिल्में ज़्यादा लिखी हैं, जिनमें अभी जो रिसेंटली एक फिल्म रिलीज़ हुई है, पटना वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो रिलीज़ हुई है। अभी और कई फिल्में आ रही हैं। पटकथा लेखन और संवाद लेखन, ये मेरा लेखन का कार्य है। सर, तीनों में अंतर क्या है, पटकथा लेखन व स्क्रिप्टिंग जो है, इसके बारे में दर्शकों के लिए बताएं सर? फिल्म में तीन मुख्य विभाग हैं, एक कथा का, दूसरा पटकथा और तीसरा संवाद लेखन। तो पहले एक कहानी हम तैयार करते हैं, जिसे हम कथा कहते हैं, कहानी है। एक कहानी जब तैयार हो जाती है, उस कहानी को हम पर्दे पे किस रूप में दिखाएंगे, वो पर्दे पे कैसे, स्क्रीन प्ले उसको कहते हैं, स्क्रीन प्ले, स्क्रीन पे वो कहानी कैसे प्ले करेगी, यानी कोई भी प्लेयर जब खेलता है मैदान में, अगर क्रिकेट खेल रहा है तो वो कैसे खेलेगा और किस तरह वो बॉल को रिएक्ट करेगा, तो वो चीज़ है कि पटकथा लेखन, यानी हम दृश्यों में उस कहानी को बांधते हैं, कई दृश्यों में बांधते हैं। जब दृश्य में बंध गए कि मैं और आज थावे विद्यापीठ के द्वारा उपाधि वितरण समारोह में मैं आज दिल्ली में उपस्थित हूँ, मेरे साथ अरविंद आनंद जी हैं, तो ये एक सीन हो गया। अब दूसरा सीन, मंच पे उन तमाम विभूतियों को बुलाया जाएगा और वो सम्मान ग्रहण करेंगे, फिर वो आकर अपने स्थान पर बैठेंगे, उसके बाद फिर सचिव जी का भाषण होगा, उसके बाद दर्शकों की तालियां बजेंगी, तो ये सारे सीन्स हो गए, फिर सभी बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के चले जाएंगे। अब संवाद, संवाद का आता है नंबर, या अब उन उस सीन के अनुसार वो संवाद लिखे जाते हैं और उसके बाद ये
पूरी कंप्लीट स्क्रिप्ट हो गई जिस पे हम शूटिंग करते हैं। तो ये हो गया कथा, पटकथा और संवाद लेखन। अब उसके बाद फिर वो निर्देशक के हाथ में जाता है, फिर वो शूटिंग शुरू होती है और फिर शूटिंग होती है। अभी आप दर्शकों सुन रहे थे, फिल्म जो बनाने में कितना प्रयास होता है, पटकथा है, बाकी लेख लिखते हैं इसमें, इसके बाद में स्क्रीनिंग होती है, इसके बाद में डायरेक्टर के माध्यम से फिल्म की शूटिंग होती है। मेरे साथ डॉक्टर अरविंद अनंत जी आनंद है, इनकी आने वाली फिल्म जो है वो उस पर शूटिंग चल रहा है। इनकी अभी जो फिल्म जो है दुल्हन गंगा पार की सुपर डुपर हिट हुई, आइए इनसे दो मिनट की मुलाकात करते हैं। हाँ सर, हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं, आपका आगामी आने वाला फिल्म कौन सा है? जी नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि अभी बात हो रही थी, अभी जिस हम लोग माहौल में हैं वो माहौल अभी थवे विद्यापीठ के सजाने से मानद उपाधियों का जो आज वितरण है, एक प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। हमारे सारे मतलब दिग्गजों का जो समाज में एक साहित्य और लेखन के मामले में एक अलग पहचान बनाए। और इसमें जहाँ तक फिल्म की बात है तो फिल्म निर्माण और निर्देशन में हम लोग का इन्वॉल्वमेंट है, हमारा करियर है। तो एक फिल्म अभी जो नई फिल्म है तिरंगा हमारी पहचान, उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। हीरो अभी फाइनल रूप से बताया जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट पवन सिंह जी से बात चल रही है। तो अभी आप सर कार्यक्रम में जो है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली से HM TV के लिए मैं संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट।